बहराइच में सोमवार को सफाई कर्मियों ने सीएमएस कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया। सुपरवाइजर नीरज सिंह को निकल जाने, तनख्वाह समय से न मिलने व ओवर टाइम तक काम लेने को लेकर आक्रोशित हैं। हालांकि सीएमएस पांडे ने सुपरवाइजर को दोबारा रखवाए जाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में सुपरवाइजर नीरज सिंह का कहना है कि परसों उनके द्वारा सफाई कर्मियों को छुट्टी दी गई थी, जिसको लेकर उन्हें ग्रुप से हटा दिया गया और कहा गया कि आपको कार्य पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि सफाई कर्मी सवेरे 6 बजे आ जाते हैं और शाम 7 बजे तक उनसे काम लिया जाता है। उनका वेतन मात्र 8800 दिया जाता है, उनका वेतन बढ़ोतरी की जाए। मेरा नाम नीरज सिंह है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेल में मैं सुपरवाइजर हूँ। हाँ, मैंने परसों 5 लोगों को छुट्टी दे दिया था, उनके यहाँ के कुछ लोग गार्जियन एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मुझे कल 4:30 बजे ग्रुप से हटाया गया और बोला गया कि आपको हटा दिया गया है, आपसे कल मत आना, हॉस्पिटल में मत दिखाई देना। और रह के बाद बच्चे आते हैं 6 बजे आ जाते हैं, उनको 5 बजे 7 बजे तक रगड़ा जा रहा है काम को लेके कि आप इतने बजे तक काम करेंगे। सैलरी उनको 8800 दिया जा रहा है, उनकी सैलरी भी लेकर बातचीत चल रही है कि सैलरी उनकी कम से कम 12000 की जाए, यही मामला चल रहे हैं, मुझे फिर वापस लिया जाए। सेमर साहब ने अभी कहा है कि हम आपको आप परसों तक काम कराइए और परसों आपके ठेकेदार को बुलाया गया है, वो भी रहेंगे, हम रहेंगे, रिजवान भी रहेंगे, सब लोगों से बातचीत हो गई है, अब परसों के लिए टाइम दे दिया गया है, परसों तब तक हमारे लोग काम कर रहे हैं, परसों फिर बातचीत होगी सब लोग इकट्ठा होकर। और जो नए आए हैं, जो बाहरी, इनको यहाँ से हटाया जाए, जो लोकल के हैं, एक आदर्श शुक्ला है और प्रशांत पांडे हैं, ये सुपरवाइजर हैं, ये लोग बाहर से आ रहे हैं और सबसे पैसा मांग रहे हैं, 1-1000 रुपए लड़के से कह रहे हैं, 1-1000 रुपए, और जो नए लड़कों को रख रहे हैं इनसे 40-40 हजार रुपए ले रहे हैं कि मुझे 40000 दिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, हम लोग पुनः जो काम करते थे दोबारा वही काम करें, जो सैलरी है बच्चों की सैलरी 2 महीने से नहीं आई है, सैलरी आ जाए, बस यही चाहते हैं हम, अन्यथा काम नहीं होगा, हड़ताल होगा। कहना है कि लगातार मिल रही है और नहीं नहीं, नहीं कोई भी लड़कों की नहीं मिली है, आपके साथ हैं, लड़के भी बोल सकते, किसी भी लड़के को नहीं मिली सर। हमारा नाम शिव प्रसाद है, हम यहाँ के सफाई कर्मचारी सुपर हैं। अच्छा, क्या मांगों को लेकर आज आप दोस्त? हमारा मांग ये है कि हमारे लड़कों की वेतन भी बढ़ाया जाए और ड्यूटी समय 7 बजे से लगा के 2 बजे तक की जाए, ठीक है। हमारे सुपरवाइजर नीरज सिंह को जो हटाया गया है उनको भी लिया जाए और जो बच्चे बीमार हो गए हैं यहाँ के इन्फेक्टेड से, उनको हटा दिया गया है, उनको भी लिया जाए। हाँ, और सूरज सिंह को भी, एक सुपरवाइजर मेडिकल कॉलेज में, उनको भी लिया जाए। यहाँ टाइमिंग इस समय हमारी टाइमिंग 7 से लगा के 5-6 बजे तक ड्यूटी ली जा रही है, और तनख्वाह अभी 2 महीने हमारी नहीं आई है, और तनख्वाह भी दिया जाए हमारा। तनख्वाह इस समय 8800 रुपया दिया जा रहा है। हमारी मांग है 10,500 तनख्वाह दी जाए और जो है जो लड़के हटाए गए हैं उनको भी लिया जाए, और कोई बोलता है तो उसको हटा दिया जाए। जो बोलता है कोई तो यहाँ यही धमकी दिया थी कि इनको हटा दिया है, ये कंपनी के नाम से जो हटाया जाता है। मांगे जब पूरी नहीं होगी तो हम धरना बैठेंगे और जाना पड़ेगा तो लखनऊ तो जाएंगे। ये सफाई कर्मी जो है प्राइम क्लिनिक के तरफ से ठेके पर है, तो कल शाम को इनके मालिक ने एक व्यक्ति को निकाल दिया, नीरज सिंह को, उसके तो उसी के विरोध में ये लोग आज स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन इन लोग से कहा है कि नीरज सिंह को रख लिया जाएगा, उनके मालिक आ जाएं तो बात हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग काम पर लौट जाएंगे। किस कारण पर निकाला गया था? अब ये उन्होंने बताया नहीं, तो अब उनका ठेकेदार का मसला है, ठेकेदार अपना काम लेते हैं। सैलरी की मांग को भी लेकर बात कर रहे हैं? सैलरी उनके समय समय पर मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 1-2 महीने कभी कभी लेट होती है, तो वो सैलरी, इनको सैलरी नहीं मिलती तो ये काम कैसे करते हैं? सैलरी मिलती है क्योंकि ओवर टाइम का ऐसा कोई मसला नहीं है, 7 बजे से 2 बजे तक करते हैं, 2 से 8 करते हैं, 8 से 8 करते हैं, इसमें कौन सा ओवर टाइम है? ये तो प्राइम क्लीनिंग का अपना मसला है, हम लोगों ने तो इसको स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेके पर दिया। तो आप लोग किस तरह फायदा कर रहे हैं?
हमने कहा कि कहेंगे कि आपके रख लिया जाए और क्या किया जाएगा, हम लोग उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं।